एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, मैंने कमेंट्स में देखा है बहुत सारे बच्चे ने मुझे कमेंट किया सर कंस्ट्रक्शन का वीडियो बनाइए। तो मैंने पहले सोचा था कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 7 में जब मैंने कंस्ट्रक्शन का वीडियो बनाया था उतना बच्चों लोगों ने देखा नहीं था, तो मैंने सोचा नहीं बनाना है। तो फिर बहुत सारे कमेंट आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका भी बनाऊंगा कंस्ट्रक्शन का। तो मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन एक वीडियो होगा, एक ही दिन में 2-3 वीडियो अपलोड होने वाला है, वीडियो का ड्यूरेशन भी कम होगा, तो तुम लोगों को मिल जाएगा। जो क्वेश्चन चाहिए, जहाँ पे तुम्हें डिफिकल्टीज है, वो क्वेश्चन तुम देख सकते हो। ठीक है, चलो आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्क्रीन के ऊपर तुम क्वेश्चन देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है, बोला गया कि कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन व्हिच ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ए बी हैज बीन गिवन, बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, ओके, एंड ए डी इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स ऑल द साइड्स हैज बीन गिवन। ठीक है, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर राफ वर्क में करूँ तो क्या है कि यहाँ पे मैं हमेशा ना राफ वर्क कर लेना, फिर कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे करना। तो राफ वर्क क्या होगा कि यहाँ पे जो है, देखो डायगोनल एसी है, तो उस अच्छा 4 साइड्स है। अभी कैसे पता लगेगा ये 4 साइड्स है, देखो कंसेक्यूटिव अल्फाबेट है, ए बी, ए के बाद बी ही आता है, बी सी, बी के बाद सी आता है, सी डी, सी के बाद डी आता है, तो ये कंसेक्यूटिव है। लेकिन डायगोनल यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ए सी डायगोनल, अगर बोला भी नहीं गया तो तुम्हें पता लगाना है कि ए सी, मतलब ए के बाद बी आना चाहिए था, लेकिन बी नहीं है, सी है, ऑल्टरनेटिवली आया है, इसलिए ए सी इज अ डायगोनल, गॉट इट। अभी तुम ए डी बोलोगे सर ये तो कंसेक्यूटिव नहीं है, नहीं है, लेकिन देखो ऑल्टरनेट भी नहीं है, ए के बाद बी आना, बी था, बी के बाद सी, अगर सी आता तो ऑल्टरनेट होता, लेकिन ए के बाद बी सी नहीं है, फिर डी आया है, दो छोड़ के आया है, दो लेटर, मतलब ये भी एक साइड है लास्ट वाला। चलो मैं दिखा देता हूँ राफ वर्क कैसे करना है। यहाँ पे ना पहले तुम्हें क्या करना है, एक डायगोनल ड्रॉ करना है, जो डायगोनल गिवन है ए सी उसको ड्रॉ करना है, ये वाला ए सी, अभी ये सोचो है 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे ए से एक ट्रायंगल बनाना है, वो क्या क्या गिवन है, ए बी, बी सी, सी डी, तो ए बी एंड बी सी है, तो सोचो ये दोनों तुमने ड्रॉ कर दिया, तो तुम्हें मिल गया बी, ये ए बी तुमने मेजर किया है यहाँ पे, सोचो 4 सेंटीमीटर, और बी सी तुमने मेजर किया है 5 सेंटीमीटर, गॉट इट। अभी डी पॉइंट, मतलब ए डी एंड सी डी भी है, देखो सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का जो वैल्यू है वो है 4.5, तो यहाँ से 4.5 सोचो, ये ऐसा वाला आता है कुछ यहाँ पे, और ये ए डी भी है गिवेन, वो है 5.5, तो मीनिंग ये जो है डी पॉइंट होगा और ये 4.5, ये वाला 5.5, बस तुम्हारा मेजरमेंट आ गया। तो क्या बनाना है, पहले एक डायगोनल को ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, डायगोनल के ऊपर साइड में एक ट्राइंगल, नीचे में एक ट्राइंगल, अगर तो याद रखना बच्चों, ये जो है ना ये वर्कशीट 1 है, चैप्टर आई थिंक दिस इज चैप्टर 12 कंस्ट्रक्शन। तो इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है वो है तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, 2 ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन तुम लोगों ने क्लास 8 में ही ऑलरेडी सीखे हो, तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है कि एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, फिर बी पॉइंट को फाइंड आउट करो, ए बी कट करके ऐसे एंड बी सी कट करके ऐसे, तुम्हें ये भी बी पॉइंट मिल जाएगा, फिर डी पॉइंट को फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे काटना है, तो ये आ जाएगा, समझ में आया। चलो यही एक्सप्लेनेशन था, तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को करने वाले, पहले एक लाइन, तो लाइन सेगमेंट तो ड्रॉ करो, देखो नीचे भी तुम्हें एक ट्रायंगल बनाना है, ये वाला ए डी सी वाला ट्रायंगल, तो नीचे जगह तुम्हें तो रखना ही है, ओके, अब ऊपर भी तुम्हें ट्रायंगल बनाना है, तो दोनों जगह पे तुम्हें जगह रखना है, तो स्केल ले लो, स्केल से मेजर करना है। देखो तुम लोग यहाँ पे पहले मेजरमेंट को ड्रॉ करके वहां से इस कंपास को लेके मेजर कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं करने वाला हूँ डायरेक्ट। देखो 7.5 लेना है, मतलब ये वाला तो 7 है और यहाँ पे है 7.5, यू कैन सी, ओके। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आके तुम्हें इसको काट करना है, कलर में चेंज कर लेता हूँ, दिस नाउ यू हैव गॉट 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज ए सी, सो यहाँ पे ए एंड सी, गॉट इट, दैट इज 7.5 ड्रॉ करना था। अभी ए बी एंड बी सी को मेजर करना है, अभी देखो ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर,
तो तुम्हें फिर से स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करना है। दिस इज 4 सेंटीमीटर, ओके देख सकते हो मैंने 4 सेंटीमीटर यहाँ पे चूज किया है। तो अभी कंपास को यहाँ पे रखो और 4 सेंटीमीटर काट करो, दिस डन। अभी 5 सेंटीमीटर ऊपर इधर से बीसी को काट करना है, तो 5 सेंटीमीटर मेजर तो कर लो पहले। तो हम लोगों को कंपास को यहाँ पे रखना है, तुम लोग वैसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, और मेजर करो 5 सेंटीमीटर, गॉट इट, देख सकते हो। अभी सी में आ जाओ, फिर यहाँ पे दिस, तो मतलब ए बी था और ये बी सी था, मतलब बी पॉइंट इज कॉमन, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो बी, गॉट इट। अभी इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो हो जाएगा। अभी मैं कंस्ट्रक्शन का जो जो आर्क वाला पार्ट है वो कर लेते हैं। ए डी एंड सी डी भी है, तो यहाँ पे सी में लिखो, अच्छा वो कितना है 4.5 सी डी, तुम लोग देख सकते हो 4.5 मीनिंग यहाँ पे, ओके। अब इस जगह से ऑपोजिट फेस में तुम्हें करना है, यहाँ पे करना है, तो चलो कटो दिस। अभी ये जो है एडी जो है वो है 5.5, तो सिंपली स्केल को यहाँ पे रखो और ऑपोजिट साइड में ले आओ, क्या है 5.5, यू कैन सी, तो यहाँ पे है 5.5, लॉक कर दो और ए से कंपास को इधर लाओ, बस यू हैव गॉट डी पॉइंट, दिस इज आवर डी पॉइंट, यहाँ पे तुम्हें डी मिल जाएगा। अभी स्केल के मदद से तुम्हें ये वाला ज्वाइन करना है और ये वाला चारों को पॉइंट को ज्वाइन करना है। कैसे स्केल को ऐसे, मैं डिजिटल बोर्ड में ऐसे नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट करूंगा, लेकिन तुम लोगों को दिखाना है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, दिस, ओके। अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ा इसको नीचे करना, दिस यू हैव गॉट, ओके ये मैंने ज्वाइन कर लिया, देख सकते हो तुम लोग, ओके गॉट इट। अभी क्या करना है, उसी तरह इसको भी स्केल की मदद से तुम लोग कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, डिजिटल बोर्ड है इसलिए मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। तुम लोग क्या करोगे, स्केल की मदद से बीसी को ज्वाइन करोगे, फिर सीडी को ज्वाइन करोगे और एडी को ज्वाइन करोगे, गॉट इट। अभी स्केल चाहिए तुम्हें, फिर स्केल की मदद से तुम्हें बीडी को मेजर करना है। चलो बीडी को पहले ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है, इनको मेजर करना है, तो चलो मेजर करते हैं। 1 से मेजर करना है, प्रॉपरली मेजर करना है, ठीक है। तो देखो देख ही सकते हो यहाँ पे 0 से मैंने मेजर किया है, बीडी को करना है, देखो यहाँ पे 5.5678, यहाँ पे ये वाला 9 बाहर जा रहा है, तो 5. यू कैन से 8, 5.8, सो मेजर ऑफ बीडी इज व्हाट, 5.8, गॉट इट। तो यहाँ पे लिखना है बीडी इक्वल्स टू, मेरा तो 5.8 ही आ रहा है, तुम लोग अभी चेक कर लेना अपना यहाँ पे सेंटीमीटर था आई थिंक यूनिट, तो जो जो दिया जाएगा वही लिखेंगे सेंटीमीटर, हाँ तो यहाँ पे सेंटीमीटर, गॉट इट, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, एंड यहाँ पे लिख दो देयरफॉर ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ओके। चलो अभी यहाँ पे शायद ये क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट तुम लोग नहीं देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल और बी डी इज द वीडियो इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर, डन, यहाँ तक हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो आज ही अपलोड होगा, एक ही दिन में 2-3 वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है, मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखना, अगर तुम 8 से बिलोंग करते हो तो पूरा सिलेबस बना के रखा था, बस यही वाला छूट गया था, तो ये भी मैं अभी कर दूंगा। तो 9 में भी अगर तुम लोग मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट करो, तो फिर मैं 9 का भी वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर से। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।